अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेकरी स्टाइल डोनट्स घर पर बनाने का आसान सा तरीका बताऊंगी। सिंपल मेथड, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक खुले मुंह वाला बर्तन और उसके ऊपर आप रख लें एक छलनी। उसके अंदर डालें आप 2 कप मैदा और उसको अच्छा सा छान लें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, इसको स्किप ना किया करें। अब आप इसमें डालें 1.5 टेबल स्पून यीस्ट। क्वांटिटीज़ को आपने आगे पीछे नहीं करना, एग्जैक्ट यही फॉलो करनी है। अब जाएगा इसमें 3 चम्मच चीनी। चीनी मैंने पाउडर नहीं, सादी वाली यूज़ की है। और अब इसमें जाएंगे 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर, मैंने इसमें नीडो यूज़ किया है। और ये आधा चम्मच, आधा टीस्पून नमक का। अब इसको ऐसे ही मिक्स करें और साथ ही इसमें ऐड कर दें आप 2 चम्मच बटर के। बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा ना हो। बटर ऐड करने के बाद आपने इसमें एक अंडा डालना है। अंडा भी रूम टेम्परेचर पे हो, ये भी ठंडा बिल्कुल ना हो। अब इसको आप हाथ से मिक्स करें, इस मिक्सचर को सारा, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। और साथ ही जैसे अगर आपको ये सख्त फील हो तो इसको आप नीम गर्म दूध के साथ गूंदें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पिज़्ज़ा डो या चिकन ब्रेड की डो बनाते हैं, उसी तरह ही आपने इसकी रखनी है थिकनेस भी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत नरम नहीं करना और ना बहुत हार्ड रखना है। अच्छी तरह इसको गूंदते जाएं, तकरीबन आपने इसको 10 मिनट तक अच्छा सा गूंदना है। बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे अंदर, ना हार्ड रहे ये। बिल्कुल जब ये चिपकना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा गूंदा जा रहा है। अब इसको कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर राइज होने के लिए रख दें। हमारी डो 1 घंटे बाद राइज हो चुकी है। अब इसको एक बार दोबारा गूंदें ताकि अच्छे से एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं। अब इस डो को आप 2 हाफ्स में करें, बिल्कुल जिस तरह हम कोई एक पेड़ा निकालते हैं उस तरह आप इसको रख लें। अपने किचन काउंटर को अच्छा सा साफ़ करें और उसके ऊपर मैदा डस्ट करें और इस तरह से आप इस डो का बॉल बनाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़े की तरह हम इसको बॉल बनाते हैं, मैदा डस्ट करते हैं और अच्छा सा इसको बेल लें। और इसकी आपने जो मोटाई है, इसकी जो हम रोटी बेल रहे हैं, वो आपने पिज़्ज़ा जितनी रखनी है, जितना हम पिज़्ज़ा के लिए रखते हैं। अगर आप बहुत मोटी रख देंगे तो उससे क्या होगा कि जब ये फ्राई होंगे तो ये बहुत अजीब से बॉल्स से बन जाएंगे। आपने इसको ना बहुत पतला रखना है ना बहुत मोटा, सिर्फ पिज़्ज़ा जितना रखना है। आप किसी भी कुकी कटर से आप इसकी शेप्स काट लें। कुकी कटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई स्टील का ग्लास ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का कैप ले सकते हैं जिससे आप ये कट करके निकाल सकें। मैंने इसको इस साइज़ का रखा है। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा बड़े डोनट्स आपको पसंद हैं, आप बड़े डोनट्स काट लें। इससे छोटा साइज़ पसंद है, इससे छोटा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा छोटा ही रखा है। और इस तरह से अब आप एक सेंटर से इसका निकाल लें। इस तरह से इसकी शेप निकाल के आप एक प्लेट में रख सकते हैं। प्लेट को पहले हल्का सा मैदे से डस्ट कर लें, उससे ये होगा कि ये प्लेट पर चिपकेगा नहीं और डी शेप नहीं होगा। इस तरह करते करते मैंने सारे निकाल लिए थे और ये जो बच गई थी डो, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसी को ही आप दोबारा से इसको अच्छा सा बॉल बनाएं और इसी को दोबारा बेलें और इसमें से आप डोनट्स निकालें। ज़ाया क्यों करना है हमने, हम सारा एंड तक इस्तेमाल करेंगे, एक भी ज़रा सा भी ज़ाया नहीं होगा प्लीज़। इसी तरह मैंने मज़ीद और निकाल लिए थे इसमें से डोनट्स। अब आप ये देखें, मेरे 2 कप मैदे से तकरीबन 20 से 22 डोनट्स बने थे। कितने इकनॉमिकल भी पड़ते हैं अगर हम ये घर पर भी बनाएँ तो। इसी तरह मैंने सारे डोनट्स बना लिए थे। और अब आपने डोनट्स को बनाकर फौरन फ्राई नहीं करना, आपने इनको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। जब आप इसको रेस्ट देंगे तो आप किसी रुमाल से इनको कवर करके रख दें। जब तक डोनट्स रेस्ट पे हैं, हम बना लेते हैं अपनी चॉकलेट सॉस। उसके लिए आपको चाहिए 1 कप दूध, उसको आप किसी पैन में डालें और साथ ही उसमें डाल दें 3 टेबल स्पून माइलो पाउडर के और फ्लेम हाई करके इसको पकाएं। साथ ही इसमें आपने डालना है 2 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर का और साथ ही फ्लेम तेज़ कर दें। फ्लेम इसमें आहिस्ता नहीं करना, थोड़ा सा जैसे ये थिक होगा, जैसे आपको लगे कि थोड़ा सा थिक होने लगा है, तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून भर के आपने चीनी के डाल देने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी सॉस पसंद है तो आप 3 चम्मच कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा ना करें। अब इसमें जाएगी 1 पैकेट टेट्रापैक क्रीम, पूरा पैकेट जाएगा इसके अंदर। फ्लेम आपने हाई रखना है और इसको पकाते जाना है। जैसे ही आपको लगे कि ये थिक हो गई है तो इसका आप फ्लेम ऑफ कर दें और एंड पे 1 चम्मच इसमें बटर डालकर मिक्स करके रख दें। बस आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। हमने इसको पकाते हुए थिक नहीं रखना, बस ये डन है, साइड पर रख दें ठंडा होने के लिए। अब आप ऑयल गरम करें और साथ ही डोनट्स को फ्राई करना शुरू कर दें। ऑयल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना हो। बहुत तेज़ गरम होगा तो वो जलना शुरू हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई होके निकल आएंगे। बस इतना आपने कलर करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट रख लें, लेकिन डार्क इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर एक जला हुआ कड़वा सा टेस्ट आता है। बस इतना कलर बहुत प्यारा लगता है, इसको निकालते जाएं और इसको रुमाल से आप कवर करके रख दें, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें कितने प्यारे फ्लफी से हो गए हैं। मुझे तो ये ऐसे ही खाने का बहुत मज़ा आता है, ये इतने मज़े के बनते हैं। तो आएँ अब हम करते हैं इसकी टॉपिंग या डेकोरेशन, जो भी आप कह लें। वो देखें हमारी सॉस कितनी थिक सी हो चुकी हुई है, क्योंकि ये ठंडी हो गई है। आप एक डोनट पकड़ें, सॉस के ऊपर इसको अच्छा सा घुमाएं, ठीक है। इस तरह से आपने यूँ सारा सॉस के ऊपर इसको घुमाना है, और ये देखें सारी सॉस इस पर लग गई, और यूँ आप इसको प्लेट पर रखते हैं। यही प्रोसीजर आपने सारे डोनट्स के साथ रिपीट करना है। डोनट पकड़े, अच्छा सा सॉस पे यूँ लगाएं और रखते जाएं। ये देखिए सॉस ठंडी होकर कितनी प्यारी सी थिक हो गई है। अगर हम इसको पकाते हुए ही थिक कर लेते तो ये अजीब सख्त सा लोहा बन जाता। वैसे तो सिर्फ आप चॉकलेट वाले भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए, उनको थोड़े कलरफुल पसंद होते हैं, तो आप इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल दें। किसी के ऊपर आप कोकोनट पाउडर डाल दें, किसी के ऊपर आप कंडेंस्ड मिल्क की भी लाइंस बना सकते हैं, और साथ किसी पे आप वाइट चॉकलेट चिप्स डाल दें। ये आपके अपने ऊपर है, जिस मर्ज़ी चीज़ की, बंटीज़ की भी आप कर सकते हैं डेकोरेशन, ये आप पे है, जो आपको बच्चे को पसंद है आप उस तरह करें। तो ये हमारे सारे डोनट्स तैयार थे, मैंने इसके ऊपर डिफरेंट टॉपिंग्स कर दी हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार, इतने ये टेस्टी, इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आपने अगर एक बार ये बना लिए तो आपने बाहर से लेना छोड़ ही देने हैं। बहुत जल्द मैं आपको सिखाऊंगी वनीला और स्ट्रॉबेरी टॉपिंग के साथ डोनट्स बनाना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।